आपकी पहली क्लास लास्ट संडे हुई, सैटरडे हुई ऑनलाइन, और पहली क्लास हुई ऑफलाइन संडे को। तो शुरुआत करी थी हमने बेसिक कोर्स की। आप लोगों के पास ये पीडीएफ मिली होगी जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, और हार्ड कॉपी मिली होगी जिन्होंने ऑफलाइन एडमिशन लिया है। ये हमारा बेसिक का सिलेबस है, इस सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे बेसिक कोर्स में। सबसे पहले मैंने आपको ये दो प्रार्थनाओं के बारे में बताया था। ये दोनों प्रार्थनाएं ऑफलाइन में हम करते हैं जब हमारी क्लास शुरू होती है, और जब हमारी क्लास खत्म होती है तो कल्याण मंत्र के साथ उस क्लास को समाप्त करते हैं। ये दोनों ही प्रार्थनाएं आपके कोर्स में है, आपसे बार बार पूछी जा सकती है। जब भी कोर्स होगा, पेपर होते हैं, चाहे वो बेसिक का पेपर हो चाहे एडवांस का पेपर हो, तो आप लोगों ने इन दोनों प्रार्थनाओं को याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। यूट्यूब पर इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी दोनों ही, और दोनों का कैसे उच्चारण होता है वह भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही प्रार्थनाएं आपको पेपर में पूछी जाएंगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी का जन्म कब हुआ, उनकी माता का नाम, पिताजी का नाम, अपने माँ बाप के कौन से संतान थे, इन सब की जानकारी, बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी। आपको उस समय बताया था कि कैसे डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी ने न्यूरोथेरेपी की शुरुआत करी और कहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी। आपको ध्यान होगा मैंने उनकी माता जी की कहानी सुनाई थी आप लोगों को, तो वहां से प्रेरणा मिली। और दाई माँ कैसे पैर की उंगलियों को रबिंग कर कर खींच कर कैसे पेट की समस्याओं को ठीक करती थी, इसके बारे में बताया था। गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी की शुरुआत एक ऑथेंटिक तरीके से एक सेंटर खोलकर कैसे शुरुआत करी, और कैसे फिर बाद में न्यूरोथेरेपी आश्रम की स्थापना की, और उस आश्रम में देश भर से न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए लोग आने लगे। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे गुरुजी का जीवन पूरा हुआ, एक्सीडेंटल गुरुजी की डेथ हुई, और 18 अक्टूबर 2017 में उन्होंने अपनी आखिरी श्वास आश्रम में ही ली। और इस तरीके से छोटा बेसिक जीवन परिचय मैंने गुरुजी के बारे में आपको जानकारी दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट को क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से जब भी वो न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करता है तो उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बातें ध्यान होनी चाहिए। और अभी आप थेरेपिस्ट हैं तो आपका कर्तव्य है कि इन पांचों बातों को आपने याद कर उनको फॉलो करना है। जैसे हमें हमेशा क्लिनिक पर समय से 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, स्वच्छ साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्लिनिक में रखे सभी सामान व्यवस्थित रूप से हो, सही जगह पर हो, कोई भी सामान इधर उधर ना पड़ा हो, ये हमारी बेसिक जिम्मेदारियां हैं। कैसे ट्रीटमेंट देते समय मरीज को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही उससे बात करनी, इसके पीछे का कारण भी आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। ट्रीटमेंट देते समय हमें पेशेंट के हाव भाव को क्यों समझना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट है, और न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए क्यों आवश्यक है। ट्रीटमेंट देते समय समय का विशेष महत्व है, विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस सब की भी जानकारी आपको मैंने लास्ट क्लास में दी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूरोथेरेपी की परिभाषा के बारे में, न्यूरोथेरेपी की परिभाषा, और लास्ट आपको मेरी एक वीडियो भी मिली होगी जिसमें मैंने न्यूरोथेरेपी की तीनों परिभाषाओं के बारे में आप लोगों को बताया है। न्यूरोथेरेपी की बेसिक जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो आपके सामने लिखी हुई है कि शरीर न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसकी खोज डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी द्वारा की गई। न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव देकर खास अंगों को सक्रिय करते हैं, जिससे उस अंग की कार्य की क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे उस अंग की वजह से आने वाले उत्पन्न रोग को हम ठीक करते हैं। ये इसकी क्रियात्मक डेफिनेशन है, फंक्शनल डेफिनेशन है। मैंने आपको दो और परिभाषाएं बताई थी, ध्यान होगा आप लोगों को। पहली परिभाषा तो ये आपकी फंक्शनल डेफिनेशन है जिसको हम क्रियात्मक परिभाषा कहते हैं।
दूसरी डेफिनेशन एक और मैंने आपको बताई थी कि साइंटिफिक डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी डेफिनेशन क्या है कि न्यूरोथेरेपी में हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर बीमारियों का उपचार करते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के हर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वहां पर आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं, यानी कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बॉडी में एसिड अल्कलाइन इंबैलेंस होता है तो बीमारी आती है, या बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो बीमारी आती है। हम इन दोनों ही पॉइंटों पर काम करते हैं और न्यूरोथेरेपी बीमारी का इलाज करते हैं। मैंने इसके बाद आपको तीसरी परिभाषा जो न्यूरोथेरेपी का आधार है, न्यूरोथेरेपी जब बन रही थी, न्यूरोथेरेपी पर रिसर्च हो रही थी, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी किसी विज्ञान को प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बारे में कर रहे थे, तो उस समय पर न्यूरोथेरेपी का आधार नाभि थी। नाभि को आधार मानकर हम सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का उपचार करते हैं। नाभि गड़बड़ होगी तो आपको फिजिकल मेंटल समस्याएं तंग करेंगी, तो सभी बीमारियों का मूल आधार नाभि का गड़बड़ होना है। तो न्यूरोथेरेपी में हम नाभि को आधार मानकर, नाभि को ठीक कर सभी बीमारियों का उपचार करते हैं। तो यहां तक की क्लास हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करी थी। आज हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी के महत्व को लेकर, उसकी मान्यताओं को लेकर। न्यूरोथेरेपी की मान्यताएं, इनको हम एंटी फीचर्स भी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी के साइंस के अकॉर्डिंग कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया था कि मैं दो ही चीजों आपको यहाँ साझा करूंगा, दो ही चीजों के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको जो भी तथ्य बोलूंगा दो ही चीजों के आधार पर बोलूंगा। पहला कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की रिसर्च चीजें कहती है, दूसरा हमारी मेडिकल साइंस की रिसर्च चीजें कहती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हम पैंक्रियास को अलग अलग समय अनुसार उपचार अनेकों बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। इसका मेडिकल पॉइंट से क्या रिलेशन है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा यहां से, तो उसमें आप देखेंगे कि पैंक्रियास बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो इंसुलिन भी बनाता है, वो ग्लूकागॉन भी बनाता है, वह सोमेटोस्टेटिन भी बनाता है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाता है, वो अमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन भी बनाता है। तो इतने सारे फंक्शन आपके पैंक्रियाज के हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यानी कि पाचन तंत्र के लिए पैंक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट अमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन बनाता है। अगर ये ना बने, इनमें से कोई भी चीज ना बने, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। आपको प्रोटीन, आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको फैट डाइजेस्ट नहीं होंगी। यानी कि हमारे पाचन संस्थान को ठीक रहने के लिए पैंक्रियास का ठीक होना बहुत जरूरी है। पैंक्रियास एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन से बहुत सारे केमिकल्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो अब ये बहुत सारे ऑर्गन्स को के लिए काम करता है, केमिकल्स बनाता है, तो स्वाभाविक है कि इसकी जिम्मेदारी भी काफी हो गई। तो इसके लिए न्यूरोथेरेपी पैंक्रियास को अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से स्टिमुलेट कर अलग अलग फंक्शंस कराती है। जैसे अगर किसी के अंदर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, या कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है, या कोई ऐसी बीमारी हो रही है कि जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो उस समय पर हम टू पेन देकर सोमेटोस्टेटिन को बनाते हैं और बीमारी को वहीं रोकने का प्रयास करते हैं। अगर किसी का शुगर लेवल डाउन जा रहा है, किसी को वीकनेस लग रही है, किसी को कमजोरी लग रही है, किसी का शुगर चेक करा और शुगर डाउन है, तो उस समय पर हम फोर पेन देकर ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इससे बॉडी में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी मिल जाती है। अगर किसी के डाइजेस्टिव यानी कि आप डाइजेशन में खराबी हो रही है, किसी के अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन या सोडियम बाइकार्बोनेट, में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि इनका क्या महत्व है, उसमें कहीं भी गड़बड़ी हो रही है,
तो हम 8 पेन देकर इस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, तो उस समय पर हम 10 पेन देकर ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि 10 पेन से हम इंसुलिन बना सकते हैं। इसी प्रकार 18 पेन देकर हम प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाते हैं, और प्रोलैक्टिन रोकने का काम है हमारा 18 पेन करता है। ये फीमेल हार्मोन है, ये गड़बड़ हो जाएगा तो फीमेल के ब्रेस्ट से असमय यानी कि गड़बड़ समय पर भी मिल्क आना शुरू हो जाता है, तो हार्मोन इनबैलेंस है। ये तो इस तरीके से हम पैंक्रियाज को अलग अलग समय अनुसार उकसाकर अनेकों अनेक बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जानकारी जो मैंने आपको बताई, ये जानकारी कहाँ से मिली? मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि पैंक्रियाज क्या क्या काम कर सकता है। एक पॉइंट कम करो नहीं तो दीपक बुझ जाए। तो मेडिकल साइंस ने बताया कि पैंक्रियाज क्या क्या काम कर सकता है। न्यूरोथेरेपी ने उस बेनिफिट को, उस जानकारी को समझा और अलग अलग समय अनुसार अलग अलग केमिकल को बनाने का काम किया। तो इस तरीके से मेडिकल साइंस की रिसर्च और न्यूरोथेरेपी का पॉइंट किसी भी बीमारी को इलाज करने का तरीका होता है। यानी कि मेडिकल साइंस क्या कह रही है उस बारे में, उस नॉलेज को गेन कर न्यूरोथेरेपी उस पॉइंट पर कैसे काम कर सकती है, ये न्यूरोथेरेपी का काम करने का तरीका है। तो हम पैंक्रियाज को अलग अलग समय अनुसार उकसाकर अनेकों बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ आया हो? अगला पॉइंट है, हम शरीर में फेफड़े, किडनी एवं पाचन संस्थान को ठीक करते हैं तो कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे शरीर में फेफड़े यानी कि लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये तीनों ठीक है तो हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। ये मेडिकल साइंस ने हमें जानकारी दी कि अगर हमारे शरीर के 3 सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 3 सिस्टम ठीक है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। न्यूरोथेरेपी इस जानकारी के आधार पर इन तीनों सिस्टम को ठीक करना जानता है। यानी कि अगर किसी को लंग से रिलेटेड डिजीज है तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन फॉर्मूला है। इसी प्रकार अगर किडनी का सिस्टम गड़बड़ है यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम गड़बड़ है, तो हमारे पास किडनी क्लियर एक फॉर्मूला है जिसमें हम राइट किडनी और लेफ्ट किडनी को बार बार स्टेप बाय स्टेप स्टिमुलेट कर उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसी प्रकार अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी ऑर्गन, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेट है, ईसोफेगस है, कोई भी पार्ट अगर काम ठीक से ना करे, तो न्यूरोथेरेपी की पकड़ इतनी ज्यादा है डाइजेस्टिव सिस्टम पर कि हम हर एक पार्ट को अलग अलग तरीकों से स्टिमुलेट कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में सबसे ज्यादा जो फॉर्मुलेज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर है। तो अगर हमारा लंग्स खराब होगा तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन का पूरे बॉडी में प्रभाव नहीं होगा, जिसकी डेफिशिएंसी से हमारे सेल मरने शुरू हो जाते हैं। किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे और वो कहीं ना कहीं ब्लड में ही सर्कुलेट होते रहेंगे और वो कहीं ना कहीं हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। अगर हमारा पाचन संस्थान ठीक नहीं है तो हमें हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारी ग्लैंड्स के लिए, हार्मोन्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम दूध की प्रोटीन को डाइजेस्ट ना कर पाए तो हमें टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिलेगा, और टायरोसिन एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी से हमारा थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर देगा और वो हाइपोथायरायडिज्म हो जाएगा। यानी पेट की गड़बड़ी से बहुत सारी अनेकों अनेक बीमारियां आ सकती हैं। तो इसलिए न्यूरोथेरेपी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके किडनी के सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को
ठीक करना जानता है। तो इस प्रकार साइंस ने हमें बताया, साइंस की एक नॉलेज हमें मिली कि साइंस ये कहती है कि अगर हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। और न्यूरोथेरेपी इन तीनों सिस्टम पर काम करना जानता है, तो शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसका समाधान भी इन तीन सिस्टम से ही बनता है और न्यूरोथेरेपी का कंट्रोल इन तीनों सिस्टम पर है। आप किसी भी पेशेंट से बात करके देखिए, उसे कोई भी समस्या आती है, एक एक्सीडेंटल केस को छोड़कर, उसे कोई भी समस्या है एक्सीडेंटल केस को छोड़कर, कहीं ना कहीं उसके इन तीन सिस्टम में से कोई ना कोई एक सिस्टम जरूर गड़बड़ होगा। क्योंकि अगर उसे बीमारी है तो इन तीन सिस्टम के ठीक होने की उम्मीद कम से कम है। तो इसलिए हम न्यूरोथेरेपी में फेफड़े, किडनी और पाचन संस्थान को ठीक कर कर अनेकों अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बीमार हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मेडिकल साइंस की रिसर्च ने हमें बताया कि एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ने से तरह तरीके के रोग आते हैं। एसिड के बढ़ने से शरीर के बाएं तरफ के अंगों में दर्द होगा, जबकि अल्कलाइन के बढ़ने से शरीर के दाएं तरफ के अंगों में दर्द होगा। और मांसपेशियां में भी फर्क आ जाएगा, जब अल्कलाइन आपका बढ़ेगा तो मांसपेशियां भी सख्त हो जाएंगी, कड़क हो जाएंगी, अकड़न आ जाएगी और बीमारियां भी आ सकती हैं। तो ये मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन के इनबैलेंस होने से शरीर में बीमारियां आती हैं। उन्होंने हमें बताया कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कि जिनकी बॉडी का एसिड बड़ा होगा तो उनकी लेफ्ट साइड की बॉडी के पार्ट में ज्यादा पेन होगा, जिनकी अल्कलाइन बड़ा हुआ होगा, ये मैं आपको आपको चेक करना सिखाऊंगा कि हम कैसे किसी की बॉडी का एसिड अल्कलाइन चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी की राइट साइड की बॉडी में पेन है तो इसका मतलब उसका अल्कलाइन बड़ा हुआ है और उसकी बॉडी के सिम्टम्स क्या होंगे, मसल टाइट होंगी, कड़क होंगी, स्टिफनेस होगी। और अगर एसिड बड़ा हुआ है तो मसल लूज होंगी, बीपी लो होगा, है ना, हाइपोथायराइड हो सकता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस और चेक करने का और इसके अलग अलग सिम्टम्स आपको बताए हैं। न्यूरोथेरेपी क्या करती है कि इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानती है। अगर किसी की बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो हम एसिड को बैलेंस करना जानते हैं। अगर किसी की बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा बढ़ी हुई है तो हम अल्कलाइन की मात्रा को बैलेंस करना जानते हैं। तो न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकती है और इनकी वजहों से आई हुई बीमारी का उपचार कर सकती है। तो मेडिकल साइंस की रिसर्च है, काम हम कर रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि हम मेडिकल साइंस के साथ कोरिलेट होकर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, विटामिन के और फॉलिक एसिड को छोड़कर कोई भी विटामिन शरीर में नहीं बनता है और बाकी सभी विटामिन हमें भोजन से ही प्राप्त करने होते हैं। आज मेरे शाम को विटामिन का लाइव लेक्चर है। आप लोगों को सबको पता होगा कि 6:30 बजे लाइव आकर हम लेक्चर देते हैं कुछ न किसी नए टॉपिक पर, कोई बीमारी पर। तो आज विटामिन का रोल मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन की आवश्यकता, ये बेसिक नीड है। हमारा हार्ट, हमारे ग्लैंड्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, इन सब को ठीक प्रकार से काम करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर केवल दो ही विटामिन बन सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में बनते हैं जिससे थोड़ा बहुत हमारे शरीर का काम चल जाता है, केवल विटामिन के और फॉलिक एसिड। बाकी जितने भी विटामिन आप सुनते होंगे, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, आपका नियासिन है, थायामिन है, ये सारे के सारे विटामिन हमें, या विटामिन ई है, ये सारे विटामिन हमें भोजन से ही प्राप्त करने होते हैं। और विटामिन का हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो शरीर में बहुत बहुत समस्याएं आ जाएंगी। आज के लाइव सेशन में आपको बताऊंगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें विटामिन को खाने के रूप में लेना ही पड़ेगा। केवल हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम खाने के रूप में विटामिन को ले लें। इसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वह आपने जो विटामिन खाया है उसको एब्जॉर्ब कर ब्लड के अंदर भेजना है। डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट करता है, इलियम सिकल वाल्व में जाकर वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में पहुंचकर लीवर में पहुंचता है। लीवर उसका डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस विटामिन को कहां पर जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें पहली चीज कि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है किसी को तो बीमारियां आ सकती हैं। तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए पहला काम हमें भोजन के रूप में विटामिन को लेना ही पड़ेगा। यानी कि आपको विटामिन खाने ही पड़ेंगे, लेकिन भोजन के रूप में, मल्टी विटामिन के रूप में नहीं, सप्लीमेंट के रूप में नहीं, मेडिसिन के रूप में नहीं, हमें भोजन के रूप में ही विटामिन को लेना पड़ेगा। और उन विटामिन को लेने के बाद हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसे एब्जॉर्ब करें। अगर किसी को विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसका मतलब या तो वो विटामिन खा नहीं रहा, यानी कि विटामिन युक्त भोजन नहीं ले रहा, या उसका शरीर उस विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग पेशेंट जब हमारे पास आते हैं कि मैं कैल्शियम की गोली, विटामिन डी की गोली, या मैं विटामिन ई के कैप्सूल, विटामिन बी12 के कैप्सूल महीनों से ले रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे शरीर के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब है कि वो ले तो रहे हैं लेकिन बॉडी उनकी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। नीरोथेरेपी की जिम्मेदारी है। नीरोथेरेपी में हम, आपने विटामिन खाया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर, आपके एब्जॉर्प्शन के सिस्टम को ठीक कर उन विटामिन को शरीर के अंदर भेजने का काम करते हैं। इसलिए नीरोथेरेपी में विटामिन फॉर्मेशन, विटामिन बनाने वाला पॉइंट नहीं है, विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोसेस है। जैसे विटामिन 1.25 DCC एक हार्मोन, हमारा एक फॉर्मूला है 1.25 DCC, इस तरीके से काम करता है कि आपके शरीर के अंदर जिस तरीके से ये हार्मोन बनता है, और ये हार्मोन अगर बनेगा तभी आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो नीरोथेरेपी शरीर के सिस्टम को ठीक कर विटामिन्स की वजह से होने वाली डेफिशिएंसी और उसकी वजह से आने वाली बीमारियों का उपचार करती है। तो न्यूरोथेरेपी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना जानती है, न्यूरोथेरेपी आपके एब्जॉर्प्शन के सिस्टम को ठीक करना जानती है। जब ये दोनों ही चीजें ठीक होंगी तो बस केवल आपको विटामिन के रूप में, विटामिन भोजन के रूप में खाने की आवश्यकता है। बाकी न्यूरोथेरेपी अपना काम करेगी, आपका डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा और विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारी का उपचार होगा। तो इस तरीके से मेडिकल साइंस के हिसाब से हमें पता चला कि विटामिन के और फॉलिक एसिड को छोड़कर हमारे शरीर के अंदर कोई भी विटामिन नहीं बनते हैं, उनको भोजन के रूप में ही लेना पड़ता है और पेट को ठीक रहना जरूरी है, क्योंकि वह जब डाइजेस्ट करेगा, जब उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, तभी शरीर के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आई हुई बीमारी का उपचार होगा। तो न्यूरोथेरेपी इस पर काम करती है और आपको स्वस्थ रखने में जिम्मेदारी पूरी करती है। अगला पॉइंट है, मेडिकल साइंस की रिसर्च ने हमें बताया कि हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है और जबकि 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। मेडिकल साइंस ने साथ में हमें यह भी बताया कि हमारी राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है जबकि 20% एसिड को फिल्टर करती है। इससे पहले हमने ये जाना था कि एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस के बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं, और यहां से हमें पता चला कि उस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कौन करता है। तो मेडिकल साइंस की इस रिसर्च को न्यूरोथेरेपी इस तरीके से फायदा उठाती है कि जब किसी की बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हम लेफ्ट किडनी को बार बार स्टिमुलेट कर बॉडी से एसिड को बाहर निकालते हैं ताकि वो नॉर्मल हो सके। अगर किसी का अल्कलाइन लेवल बढ़ जाता है तो हम ये जानते हैं मेडिकल साइंस की रिसर्च पर कि
कि हमारे अल्कलाइन की मात्रा को डाउन करने की जिम्मेदारी हमारी राइट किडनी को है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ब्लड के अंदर एसिड ज्यादा घूम रहा है तो लेफ्ट किडनी का काम है कि उसको फिल्टर कर बाहर निकाल दे, यूरिन के रूप में एसिड को बाहर निकाल दे। अगर हमारे ब्लड में अल्कलाइन ज्यादा है तो किडनी की जिम्मेदारी है कि उस अल्कलाइन को फिल्टर कर यूरिन के रूप में बाहर निकाल दे। अब कोई बीमार हो गया है और हमें यह पता चला कि इसकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो न्यूरोथेरेपी इस रिसर्च पर काम करती है। अगर किसी की बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट किडनी एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उस समय पर न्यूरोथेरेपी लेफ्ट किडनी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भेजती है, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाती है, और बार बार जब ब्लड सर्कुलेशन लेफ्ट किडनी को हिट करता है तो किडनी की फिल्ट्रेशन की पावर बढ़ जाती है और किडनी अपना काम प्रॉपर तरीके से करती है। किडनी का यही काम है, किडनी को रोटी थोड़ी बनानी, चावल थोड़ी बनाने हैं, किडनी का काम ही यही है कि वह एसिड और अल्कलाइन को फिल्टर करे, बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन बैलेंस रहे, ये किडनी की जिम्मेदारी है। तो किडनी को स्टिमुलेट कर न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करती है। एसिड और अल्कलाइन को अगर गड़बड़ हो रहा है बॉडी के अंदर तो हमारी लेफ्ट और राइट किडनी को हम लीवर जीरो यानी कि राइट किडनी, म्यूकस जीरो यानी कि लेफ्ट किडनी के द्वारा एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, और किडनी के द्वारा हम बॉडी में बैलेंस कर इस एसिड अल्कलाइन को और बीमारी का उपचार करते हैं। तो ये जानकारी कहां से मिली? मेडिकल साइंस ने हमें बताया, और मेडिकल साइंस की रिसर्च को आधार मानकर हम न्यूरोथेरेपी का उपचार करते हैं और बीमारी का समाधान करते हैं। मेडिकल साइंस को समझना, मेडिकल साइंस ऐसे नहीं कि मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस तो मेडिकल साइंस है, ये मेरे लिए भी है, ये होम्योपैथिक के लिए भी है, ये आयुर्वेद के लिए भी है, ये एलोपैथी के लिए भी है, ये सब अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं। अब बीमारी आई यानी कि शरीर के बारे में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो मेडिकल साइंस से मिलती है। हमारी मेडिकल साइंस टेस्टिंग करती है, बहुत सारी एडवांस रिसर्च करती है, तो हमें जानकारी मिलती है, यानी कि मेडिकल साइंस की जो जानकारी है वो तथ्यों के आधार पर होती है। उस आधार पर फिर ये पेशेंट का काम है कि भाई उसे अस्थमा हो गया, तो मेडिकल साइंस ने बताया कि जब हमारे लंग्स के एल्वोलाई प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति को अस्थमा होता है। अब उस पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि इस अस्थमा को वो न्यूरोथेरेपी से ठीक कराए, वो होम्योपैथी से ठीक कराए, वो आयुर्वेद से ठीक कराए, वो एलोपैथी से ठीक कराए, या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति से ठीक कराए। तो ये ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेडिकल साइंस की रिसर्च सबके लिए है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम मेडिकल साइंस की रिसर्च को आधार मानकर, मेडिकल साइंस के साथ को रिलेट होकर, अपनी बातों को तथ्यों के साथ साइंटिफिक तरीके से रखकर हम ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में करते हैं। देखिए, जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं उसका अपना अपना नेचर होता है। जैसे अगर हम खट्टी चीजें खाते हैं तो वो एसिडिक चीजें होती है, इसलिए आपने सुना होगा कि जोड़ों के दर्द वाले को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जोड़ों के दर्द वालों का एसिड बढ़ा हुआ होता है। अगर जोड़ों के दर्द वाला कोई पेशेंट खट्टी चीजें खा ले तो और एसिड बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो खट्टी चीजें यानी कि एसिड है, पानी जिन चीजों में जाता है वो अल्कलाइन है, है ना? तो जिन चीजों को हम खाते हैं या पीते हैं, कोई भी चीज हो, उसका अपना नेचर होता है, वो या तो एसिड होगा या अल्कलाइन होगा। लेकिन आज की रिसर्च ये कहती है कि हम जितना खाना खाते हैं वो 80% एसिडिक होता है। अब हम खाना तो हम खा रहे हैं, हमने जो कुछ भी खा लिया या पी लिया उसका अपना अपना नेचर होगा। अब हमने खा लिया, हमारा काम खाना है, उसके बाद में हमारी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन दोनों बैलेंस होने चाहिए, ना तो एसिड ज्यादा होना चाहिए ना अल्कलाइन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब एसिड और अल्कलाइन ज्यादा या कम हो जाएंगे तो शरीर के अंदर बीमारी आ जाएगी। तो अब हमारी किडनी, हमारा लंग्स का काम है, अभी हम किडनी के टॉपिक पर, इसलिए किडनी के बारे में बताता हूँ। तो किडनी की जिम्मेदारी है
कि अगर आपके शरीर के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा है तो उसको फिल्टर कर कर बाहर निकाल दे, यानी कि यूरिन के रूप में बाहर निकाल दे। किडनी की फिल्ट्रेशन है, यानी कि अब कोई एसिड या अल्कलाइन क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अगर हम साइंस की भाषा में देखें या केमिस्ट्री की भाषा में, एसिड और बेस इसको बोलते हैं। अगर बेस बढ़ता है तो हमारा अल्कलाइन बढ़ता है, एसिड बढ़ता है तो एसिड की मात्रा, यानी कि ये हमारे आयंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया है। जैसे हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू यही बताती है कि हमारी कोई भी चीज एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो हमारे ब्लड की भी पीएच वैल्यू है 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू है, यूरिन की पीएच वैल्यू है, आंसुओं की पीएच वैल्यू है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू है, छाछ की, मक्खन की, दही की, दूध की, क्रीम की, आइसक्रीम की, सबकी पीएच वैल्यू है। तो हम जैसे जो चीजें खाएंगे, एसिडिक खाएंगे तो एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा, हम अल्कलाइन खाएंगे तो अल्कलाइन बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो हमारी किडनी की जिम्मेदारी है कि इसको फिल्टर करके बाहर निकाले, नहीं तो हमारे को दिक्कतें आ जाएंगी। तो किडनी क्या करती है, हमारी लेफ्ट किडनी क्या करती है, एसिड को फिल्टर करती है। राइट किडनी की जिम्मेदारी है अल्कलाइन को फिल्टर करने की। तो जो चीजें शरीर के अंदर बढ़ती है वह एसिड और अल्कलाइन के रूप में फिल्टर कर दी जाती है। लेकिन अगर ये फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है तो उस समय पर हमारे शरीर के अंदर ही एसिड और अल्कलाइन बढ़े हुए रहते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं। अब हम ब्लड को जब भी चेक करेंगे तो ब्लड, क्योंकि एसिड है ब्लड के अंदर, तो ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर में चला जाएगा, यानी कि ब्लड का झुकाव एसिड की तरफ चला जाएगा, और एसिड की तरफ चला जाएगा तो बीमारी आ जाएगी। तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, हमारी लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट कर कर बॉडी से एसिड को फिल्टर कराती है। क्योंकि लेफ्ट किडनी को फिल्टर करने का काम, लेफ्ट किडनी का ही काम है कि वो एसिड को फिल्टर करे, राइट किडनी तो अल्कलाइन को फिल्टर करती। तो एसिड बढ़ा हुआ है तो न्यूरोथेरेपी किसको स्टिमुलेट करेगी, लेफ्ट किडनी को करती है, बार बार करती है, और धीरे 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 एसिड को बाहर निकालती है यूरिन के रूप में। और जैसे ही बॉडी के ब्लड का एसिड डाउन जाता है, आप ठीक होना शुरू हो जाते। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीजें खानी है या कौन सी चीजें नहीं खानी है। जब हमें पता होगा तभी हम आगे पेशेंट को भी गाइड करेंगे। तो मोटा माटी आपको पता ही होगा कि डॉक्टर्स जॉइंट्स पेन में, यानी कि आपके जोड़ों के दर्द में, पेशेंट को खट्टी चीजें खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि तो खट्टी चीजें एसिड को बढ़ाती हैं, और एसिड बढ़ेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए न्यूरोथेरेपी जानती है कि एसिड बढ़ेगा तो लेफ्ट किडनी को ठीक करना है, और अल्कलाइन बढ़ेगा तो लेफ्ट राइट किडनी को ठीक करना है, और हम लेफ्ट और राइट किडनी को स्टिमुलेट कर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, लेफ्ट ओवरी 80% एस्ट्रोजन 20% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, जबकि राइट ओवरी हमारी 80% प्रोजेस्टेरोन और 20% एस्ट्रोजन बनाती है। ये किसने बताया, ये मेडिकल साइंस ही हमें बता रही है, हम तो मेडिकल साइंस के रिसर्च पर काम कर रही है। तो मेडिकल साइंस ने हमें ये बताया, मेडिकल साइंस की रिसर्च ने हमें बताया कि हमारी, ये फीमेल की बात है क्योंकि ओवरीज कहाँ है, फीमेल के पास होती है, मेल के पास टेस्टिस होते हैं। ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि ओवरीज और टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आपका आएगा तब इनका डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अभी हमें क्या समझना है कि फीमेल के अंदर लेफ्ट ओवरी 80% एस्ट्रोजन बनाती है, 20% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, जबकि फीमेल की राइट ओवरी 80% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, 20% एस्ट्रोजन बनाती है। अब फीमेल के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम बात कर रहे हैं, मेल पर भी ये लागू होगा। मेल के लिए ये दोनों ही टेस्टिस, दो अंडकोश होते हैं, दो टेस्टिस हैं, वे दोनों ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, है ना। अभी फीमेल के लिए बात करते हैं, कोई फीमेल अगर न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आती है, हार्मोनल समस्या को लेकर आती है, वो कहती है कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या मुझे डिले हो रहे हैं, या अर्ली हो जाते हैं, या स्केंटी होते हैं, या पेनफुल होते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स यानी कि उसको दिक्कतें हैं। तो फीमेल को पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी समस्या होती है या
या गर्भ धारण करने से संबंधित कोई दिक्कत होती है, यानी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट ये जानता है कि फीमेल के पीरियड्स का आना, फीमेल्स के गर्भ धारण करना, या उसका जो भी हार्मोनल है वह ओबरी से रिलेटेड है। तो लेफ्ट ओबरी फीमेल के अंदर 80% एस्ट्रोजन बनाती है और राइट ओबरी प्रोजेस्टोन बनाती है। अब किसी फीमेल को कोई हार्मोनल समस्या आती है तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट के को ये पता है कि हार्मोनल समस्या का मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन का अप एंड डाउन होना है। फिर वो पेशेंट न्यूरोथेरेपिस्ट क्या है, उसके टेस्ट कराएंगे कि एस्ट्रोजन कम है या प्रोजेस्टोन कम है, तो पता चलेगा कि एस्ट्रोजन कम है या प्रोजेस्टोन कम है। तो उस डायग्नोज के आधार पर हम लेफ्ट ओबरी को बार बार स्टिमुलेट करेंगे फॉर एस्ट्रोजन, राइट ओबरी को बार बार स्टिमुलेट करेंगे फॉर प्रोजेस्टोन। तो इस तरीके से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन की गड़बड़ी से आने वाले हार्मोनल इंबैलेंस को न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो यानी कि हम फीमेल के हार्मोनल प्रॉब्लम्स पर काम कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में हमारे पास लेफ्ट ओबरी और राइट ओबरी पॉइंट है, ये राइट ओबरी और लेफ्ट ओबरी नामक पॉइंट है जो ओबरीज को स्टिमुलेट करना जानते हैं, है ना। और इस तरीके से हम फीमेल के हार्मोनल लेवल पर काम कर सकते हैं, यानी कि हार्मोन से रिलेटेड बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यदि शरीर में थाइमस ग्लैंड बिगड़ जाए तो वह अपने ही शरीर के सेल्स को मारना शुरू कर देती है, जिसे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे में न्यूरोथेरेपी के द्वारा एड्रेनल ग्लैंड को सक्रिय कर इस क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ये मैं आपको न्यूरोथेरेपी का बेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे न्यूरोथेरेपी अलग अलग सिचुएशंस का सामना करती है, क्योंकि अभी तो आप इस कोर्स को कर रहे हैं, इस कोर्स में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको इसकी क्वालिटीज पता होनी चाहिए। ये कैसे साइंस के हिसाब से कोरिलेट होकर कैसे काम करती है। तो अगला इन्होंने ये बताया कि शरीर में एक थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में या एंडोक्राइन सिस्टम में। थाइमस की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी इन्होंने जो कहा है वो समझ लेते हैं। यदि शरीर में थाइमस ग्लैंड बिगड़ जाए, छोटी सी एक ग्लैंड है आपके छाती के ऊपर होती है, छाती के अंदर है, दोनों निप्पल्स के बीचों बीच, जहां पर योग में इसे सूर्य चक्र कहा जाता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है स्टर्नम बोन के ऊपर आपकी छाती के बीचों बीच, तो उस गड्ढे के पीछे हमारे थाइमस ग्लैंड होती है। शरीर में थाइमस ग्लैंड बिगड़ जाए तो यह अपने ही शरीर के सेल को मारना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके जानकारी हमें पता होनी चाहिए, करती क्या है थाइमस ग्लैंड, क्या करती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रोंग करती है। आपके शरीर के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है, कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है, तो उससे लड़ने का काम करती है थाइमस की ग्लैंड। जैसे कोरोना वायरस जिन लोगों को हुआ होगा कोरोना, तो कोरोना जैसे ही एंटर करा होगा तो सबसे पहले थाइमस एक्टिवेट हुई होगी और थाइमस ने उसका सामना किया होगा, थाइमस ने अपनी सेना बनाकर भेजी और उस सेना ने कोरोना का सामना किया। जिन लोगों की जिनकी थाइमस की सेल जो है, यानी कि सेना जो है, जिन्होंने कोरोना को खत्म कर दिया, उनको कोरोना से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, यानी कि वो ठीक हो गए। लेकिन जहां जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी, यानी कि थाइमस कमजोर था, उन्होंने कोरोना ने क्या करा, उसकी थाइमस को सप्रेस कर दिया, यानी कि उस सेना को खत्म कर दिया, तो उन लोगों को कोरोना के बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई, इवन हॉस्पिटलाइज्ड भी होने पड़े, है ना। तो डिपेंड हुआ कि आपकी इम्यूनिटी जीती, यानी कि आपकी सेना जीती, या कोरोना की सेना जीती, तो डिपेंड ये करता है। तो इन्होंने थाइमस का फंक्शन समझ आ गया आपको कि थाइमस क्या करती है, कि वायरस या बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है उससे लड़ने का काम करती है। तो थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए काम करती है, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। इसको हम बोलते हैं ये हमारे लिए पॉजिटिव है। इसकी सेना क्या करती है कि इसकी सेना हमारे शरीर के लिए काम करती है और हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बनती है, एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जब थाइमस की सेना हमारे दुश्मन को मारने की बजाय हमारे ही शरीर के सेल को मारना शुरू कर दे, जब थाइमस की सेना
दुश्मन की सेना को मारने के बजाय हमारी ही सेल को मारना शुरू कर दे, हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब बीमारी है, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपको पता ही होगा, और ऑटो का मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी सेना हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये कंडीशन समझ आई। अब दूसरा क्या है कि अगर ये कंडीशन किसी के साथ में हो जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति को ये कंडीशन हो गई कि उसकी थाइमस की सेना शरीर को ही नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का शिकार हो गया, तो उस समय पर वह पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। अब इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जैसे अलग अलग बीमारियों में ऐसा होता है, जैसे डायबिटीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अस्थमा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, एक्जिमा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सोरासिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जब एक बार शरीर में लग जाती हैं तो ये जीवन के साथ ही खत्म होती हैं, है ना। कहते ना कि ये ऐसा रोग जो जीवन के साथ ही जाता है, उन सबको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कह सकते हैं। इस कंडीशन में एक पेशेंट क्या है, उसके पास दो ऑप्शन है, एक है कि न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, एक डॉक्टर के पास जाएगा तो वो क्या करेगा। अगर एक एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनके पास कोई दवा नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज होता तो डायबिटीज ठीक हो जाती, अस्थमा ठीक हो जाता, स्किन डिजीज ठीक हो जाती, तो बहुत सारी बीमारियां जिनको जिनके लिए हमें जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ती है, वह सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आ जाती है या लाइलाज बीमारियों में आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेरॉयड देते हैं। आपने सुना होगा कि स्टेरॉयड दिया है डॉक्टर ने मेडिसिन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में। तो वो स्टेरॉयड क्या है, डॉक्टर्स के पास आखिरी रामबाण है, यानी कि वो ब्रह्मास्त्र है डॉक्टर का। डॉक्टरों के जब समझ नहीं आता कुछ भी इलाज करते समय जब, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है ब्रह्मास्त्र के रूप में। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल ही लास्ट में किया जाता है कि अब हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करेंगे। उस ब्रह्मास्त्र का क्या यूज होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ब्रह्मास्त्र किसी भी तरीके से चलाया जाए तो वो सामने वाले को तो नुकसान करता ही करता है, अपने आप को भी नुकसान करता है। यानी कि ब्रह्मास्त्र के समय पर, यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जब स्टेरॉयड की मेडिसिन ली जाती है, स्टेरॉयड लिया जाता है, तो बीमारी को तो खत्म करते ही है, खत्म नहीं, उसको सप्रेस करता है, बीमारी को दबा देता है, उसके असर को शरीर में नहीं होने देता, और साथ में लेकिन ये अपने भी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, अपने भी शरीर के सेल को मारता है। क्योंकि जब वो तीर निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन दुश्मन कौन दोस्त, वो तो सबको मारते हुए चला जाता है। इसी कंडीशन को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ब्रह्मास्त्र यानी कि आपके स्टेरॉयड से हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब अगर यही पेशेंट एक न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाता तो क्या होता, एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करता, न्यूरोथेरेपिस्ट को ये जानकारी है क्योंकि उसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा है, क्योंकि मेडिकल साइंस उसे बताती है कि स्टेरॉयड हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से भी बनते हैं, यानी कि हमारी बॉडी भी स्टेरॉयड बनाती है, और वह ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड नेचुरल स्टेरॉयड्स बनाती है, तो नेचुरल स्टेरॉयड्स वो बॉडी के स्टेरॉयड्स हो गए, जिसका अपना साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी कोई केमिकल ऐसे थोड़ी बनाए कि जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो एड्रिनल ग्लैंड से नेचुरल स्टेरॉयड्स बनते हैं, और वो उतनी ही मात्रा में बनते हैं जिनका बॉडी सामना कर सकती है। और आर्टिफिशियल स्टेरॉयड क्या है, वो ओवरडोज होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसलिए स्टेरॉयड वाला पेशेंट धीरे 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 एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। कभी किसी से बात करने का मौका मिले कोई स्टेरॉयड लेता हो तो उससे जानने की कोशिश करना, एक बीमारी के लिए उसने स्टेरॉयड लिया और वो बहुत सारी बीमारियों से घिर गया होगा। तो नेचुरल स्टेरॉयड्स को हम एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा न्यूरोथेरेपी में बनाते हैं। तो न्यूरोथेरेपी एड्रिनल ग्लैंड को सक्रिय कर इस सिचुएशन का सामना करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड नेचुरल तरीके से स्टेरॉयड बना सकती है और उस बीमारी को कंट्रोल कर सकती है।
हमारी न्यूरोथेरेपी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट जितना भी होगा वो प्योर ट्रीटमेंट होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि जितना उसे आराम आएगा वो 100% आएगा और उसका अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के नेचुरल स्टोर्स को बनाकर न्यूरोथेरेपी उस पर काम कर रही है। तो न्यूरोथेरेपी थायमस ग्लैंड के बिगड़ने पर एड्रेनल ग्लैंड को सक्रिय कर एड्रेनल ग्लैंड से काम करवाती है और नेचुरल स्टोर्स बनाती है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बीमारियों पर नियंत्रित करती है। कहानी समझ आई आप लोगों को? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, न्यूरोथेरेपी में बहुत इस पॉइंट का यूज होता है। मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल दो या दो से अधिक जगहों पर बनता है, जिससे एक जगह पर बिगड़ने से हम उसे दूसरी जगह से निकालकर शरीर का बचाव करते हैं। देखो सिंपल है, मेडिकल साइंस की रिसर्च ने ये बताया कि शरीर में हर मुख्य केमिकल दो या दो से अधिक जगहों पर बनते हैं, जिससे एक जगह पर बिगड़ने से हम उसे दूसरी जगह से निकालकर शरीर का बचाव करते हैं। यानी कि भगवान ने हमारे शरीर को इस तरीके से सिस्टमेटिकली बनाया है, इतना सिस्टमेटिकली बनाया है कि जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो दो या दो से अधिक जगहों पर बनाए हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जगहों पर सिक्रीट हो सकते हैं, कि अगर किसी वजह से, किसी गड़बड़ी से एक जगह से वो केमिकल नहीं निकल पा रहा है, एक जगह से वो केमिकल नहीं बन पा रहा है, तो हमारा शरीर उसे दूसरी जगह से निकाल कर शरीर में उस सिचुएशन का सामना कर सकता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे एक डोपामाइन केमिकल है, डोपामाइन केमिकल क्या करता है, आपके शरीर के अनवांटेड मूवमेंट को रोकता है। जैसे आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं, तो साइन करते समय आपको ये पता होता है कि मुझे अपने साइन में कब ऊपर कब नीचे कब दाएं कब बाएं कब रेखा खींचनी है। अगर आपने एक बार भी फालतू ऊपर नीचे कर दिया तो आपके साइन गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपका कंट्रोल इतना है कि आपकी इच्छा के बगैर आपके साइन गड़बड़ नहीं हो सकते, जबकि आप वो तो स्पीड में कर रहे हैं। तो ये आपकी इच्छा के बगैर आपका कोई भी अंग नहीं हिल सकता, तो ये किसकी वजह से होता है, डोपामाइन की वजह से होता है। ब्रेन के अंदर एक केमिकल बनता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। अब ये डोपामाइन नहीं बने तो क्या होगा, आपका शरीर हिलता रहेगा, हाथ हिलते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कप चाय पीते समय हाथ हिलता है, साइन करते समय हाथ हिलता है। इस बीमारी को हम पार्किंसन की डिजीज कहते हैं। तो यानी कि इस डोपामाइन की डेफिशिएंसी से आपको जो बीमारी आई उसे हम पार्किंसन कहते हैं। तो उस समय पर भगवान ने जो शरीर बनाया, उन्होंने क्या करा, इस डोपामाइन को दूसरी जगह भी बनाना शुरू बनाया था, जिसका नाम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम में हमारे वे सारे केमिकल बनते हैं जो ब्रेन में बनते हैं। मेरी बात को समझना, अभी डोपामाइन बन रहा था ब्रेन में, लेकिन साथ में ही थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से बनने वाला डोपामाइन वहां से निकलकर आपकी इस बीमारी का समाधान कर सकता है। तो क्योंकि ब्रेन में तो बन ही नहीं रहा, ब्रेन का केमिकल गड़बड़ हो गया। फर्क इतना होता है कि ब्रेन जो मेन जगह है वहां से वो केमिकल ज्यादा मात्रा में बनता है, तो दूसरी सब्स्टिट्यूट जगह पर वो थोड़ी मात्रा में बनता है। तो ब्रेन में डोपामाइन बनता है 80 से 90% और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है 10 से 20%। तो उस समय पर न्यूरोथेरेपी क्या करती है, कोई पार्किंसन का पेशेंट हमारे पास आता है तो उस समय पर हम क्या करते हैं, डोपामाइन की कंडीशन को ठीक करने के लिए, पार्किंसन की बीमारी को ठीक करने के लिए, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि उसका ब्रेन ही डोपामाइन को बनाए, ब्रेन ही वो डोपामाइन बनाए जिससे कि उसकी बीमारी का समाधान हो। लेकिन साथ में हम ये भी प्रयास करते हैं कि वो दूसरी जगह से वो केमिकल कहाँ से बन सकता है ये पता लगाए, कि वो केमिकल जरूरी है। और ये केमिकल हमें पता है कि साइंस ये कहती है कि वो हर मुख्य केमिकल दो या दो से अधिक जगहों पर बनता है। तो
तो स्वाभाविक है कि डोपामाइन तो जरूरी है, नहीं तो हमारे हाथ पर हिलते रहेंगे। तो साइंस ने ही हमें ये बताया कि डोपामाइन हमारी एंट्रिक नर्वस सिस्टम से बनता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। तो न्यूरोथेरेपी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना जानती है, जिसके लिए हम 12 गैस आई 12 गैस आई का ट्रीटमेंट देते हैं और एंट्रिक नर्वस सिस्टम से डोपामाइन को बनाते हैं। तो डोपामाइन की कमी की वजह से आई हुई बीमारी जो पार्किंसन है, उसका इलाज करने में, उसके समाधान में न्यूरोथेरेपी मदद करती है। लेकिन वो थोड़ी मात्रा में बनेगा, लेकिन इतना बन जाएगा कि आपकी बीमारी का समाधान हो जाए। तो इस प्रकार से मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनते हैं। अगर एक जगह से वो बिगड़ जाए तो शरीर खुद दूसरी जगह से निकालकर उसका उस बीमारी का समाधान करती है। लेकिन किसी वजह से अगर शरीर नहीं बना पा रहा है उस केमिकल को दूसरी जगह से, तो न्यूरोथेरेपी साइंस की जानकारी के आधार पर उस केमिकल को दूसरी जगह से बनाकर उस बीमारी का समाधान करती है। तो न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के मुख्य जो मुख्य केमिकल है दो से अधिक जगहों पर बनते हैं। अगर एक जगह से नहीं बन रहा है तो न्यूरोथेरेपी दूसरी जगह से उस केमिकल को रिलीज कराकर शरीर की उस बीमारी में समाधान करती है। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूँ, एरिथ्रोपोएटिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये मैं किडनी के सिस्टम में बताऊंगा कि एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, शॉर्ट में समझ लेना है। एरिथ्रोपोएटिन की वजह से ही आपके ब्लड फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्लड बनता है किडनी से, एरिथ्रोपोएटिन बनता है। अगर किडनी खराब हो गई तो एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा, आपका ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो मेडिकल साइंस ने यह बताया कि एरिथ्रोपोएटिन किडनी में बनता है, साथ में लीवर में भी बनता है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जब कोई पेशेंट आएगा एरिथ्रोपोएटिन वाला, तो न्यूरोथेरेपिस्ट पहले तो कोशिश करेगा कि किडनी से दोबारा एरिथ्रोपोएटिन बनना शुरू हो जाए, और साथ ही साथ वो ये भी प्रयास करेगा कि लीवर से भी एरिथ्रोपोएटिन बनना शुरू हो जाए, ताकि किडनी अपना काम करना शुरू कर दे। नहीं तुम लीवर से तो उस बीमारी के लिए कुछ ना कुछ मदद ले ही सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी इस प्रकार दूसरी जगह से उस केमिकल को बनाकर शरीर की बीमारी का उपचार या बचाव करती है। बात समझ आए मेरी? अगला पॉइंट है, मेडिकल साइंस ने हमें यह बताया, ये सब मेडिकल साइंस की रिसर्च ही मैं आपको समझा रहा हूं कि न्यूरोथेरेपी मेडिकल साइंस पर कैसे काम करती है, ताकि आप लोग किसी के सामने जवाब दें तो विद साइंटिफिक तरीके से दें। ऐसे नहीं कि हमने बात बता दी, कहानी सुना दी, हम खुद ही नहीं समझ पाए कि हमने समझाया क्या सामने वाले को। शरीर में कोई भी अंग ठीक प्रकार से काम ना करने से, या उस ग्लैंड के केमिकल कम या ज्यादा होने पर, या वह अपनी जगह पर वह केमिकल ठीक से ना पहुंचने से शरीर में बीमारी आती है। मेडिकल साइंस हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि शरीर के अंदर किन किन वजहों से बीमारी आ सकती है। पहला, शरीर में कोई भी अंग ठीक प्रकार से काम ना करने से बीमारी आती है, या वह केमिकल कम या ज्यादा बनने से बीमारी आ सकती है, या वह केमिकल जहां उसे पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचा है तो बीमारी आ सकती है। तो ये अलग अलग कारण है कि कोई कोई ग्लैंड काम ही नहीं कर रहा तो बीमारी आ जाएगी, कोई केमिकल कोई ग्लैंड जो है, या ऑर्गन ले लो, कोई ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है तो भी बीमारी आ सकती है, कोई ऑर्गन कम काम कर रहा है तो भी बीमारी आ सकती है, या वो ऑर्गन केमिकल तो सही बना रहा है लेकिन वो केमिकल उस जगह पे पहुंच ही नहीं रहा जहां उसकी जरूरत है तो बीमारी आ सकती है। अब इस पर न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है, देखिए एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। पैंक्रियाज एक ऑर्गन है, आप सब जानते हैं कि पैंक्रियाज हमारी शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन के द्वारा। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन क्या करता है ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड में इंसुलिन का काम है कि वह ये देखता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उस ग्लूकोज को पकड़ता है और सेल के पास पहुंचता है, और सेल के पास एक गोदाम है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उस गोदाम में जाकर ग्लूकोज को छुपा देता है और ग्लाइकोजन के रूप में रख देता है।
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में रख देता है कि जरूरत जब मुझे लगेगी, शरीर को जब जरूरत होगी तो यहां से हम इस ग्लूकोज को उठाएंगे और उस शरीर को दे देंगे। तो अब इस कहानी को समझने की कोशिश करना। पहला कंडीशन क्या था कि शरीर में कोई अंग ठीक प्रकार से काम नहीं करता, यानी कि वो ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा। पहला कि पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बना रहा, तो यानी कि बीमारी तो आएगी आएगी, स्वाभाविक है कि जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर तो शुगर को कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है, तो बीमारी आ गई। उस कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब दूसरी कंडीशन कि वह अंग उस केमिकल को ज्यादा बनाए या कम बनाए तो बीमारी आ सकती है। तो पैंक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन जरूरत से ज्यादा बना रहा है। आपको डेली 100 ग्राम इंसुलिन की जरूरत है और वो बना रहा है 150 ग्राम इंसुलिन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 100 ग्राम इंसुलिन क्या करता है, 100 ग्राम ग्लूकोज को पकड़कर सेल के अंदर डाल देता है। क्योंकि शरीर के अंदर तो हमें ग्लूकोज की तो जरूरत है ही है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जरूरत तो है ही है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, दुनिया चल रही है, ये एनर्जी से तो चल रही है, तो ब्लड के अंदर तो एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर वो ज्यादा एनर्जी हो जाए, ज्यादा ग्लूकोज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। कि अगर ब्लड के अंदर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। तो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा ना हो जाए तो इसलिए पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। वह इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़कर आपके सेल के अंदर डाल देता है कि भाई जब जरूरत होगी हम ले लेंगे आपसे, तो सेल अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर पैंक्रियास जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाएगा तो ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो ज्यादा ग्लूकोज को उठाएगा और ज्यादा सेल के अंदर डाल देगा, तो इससे दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो क्या होगा कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए उतनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसुलिन ने क्या करा कि ग्लूकोज सारा पकड़कर सेल के अंदर डाल दिया। दूसरा नुकसान क्या होगा कि सेल का स्टोरेज जो है, सेल के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। वो कहेगा भाई मैं थोड़ी बहुत ही तो ग्लूकोज को स्टोर कर सकता हूँ अपने पास, तुम तो बहुत सारी लेकर आ गए मेरे पास ग्लूकोज को, तो उस समय पर सेल डेड होना शुरू हो जाएगी, उसमें बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ है कि पैंक्रियाज इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बना रहा है, उस समय पर आपको वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि पैंक्रियाज का इंसुलिन क्या कर रहा है, आपके ग्लूकोज को उठाकर सेल के अंदर डाल रहा है, तो आपको वीकनेस आ जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जब आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, आपको वीकनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। मेरी बात समझ आई? अब दूसरी कंडीशन कि पैंक्रियाज इंसुलिन को कम बनाता है, यानी कि 100 mg जो बनानी थी उसे 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम उसे जो बनाना था वो बनाता 50 मिलीग्राम ही है। तो 50 मिलीग्राम अगर इंसुलिन बन रहा है तो वो थोड़ी सी इंसुलिन को ग्लूकोज को उठाएगा, और थोड़ा सा इंसुलिन ग्लूकोज को उठाएगा तो थोड़ा स्टोर करेगा, तो ज्यादातर ग्लूकोज कहाँ रह गया, हमारे ब्लड में ही रह गया। तो ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज रहेगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि जब भी हम ग्लूकोज चेक करेंगे, यानी कि ब्लड टेस्ट चेक करेंगे, तो उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा आएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है, और ज्यादा है तो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि डायबिटीज का होना। डायबिटीज का मतलब क्या है कि जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज कहते हैं। किसकी वजह से हुआ कि पैंक्रियाज ने इंसुलिन जो जितनी बनानी चाहिए थी उससे कम बनाई, तो पैंक्रियाज ज्यादा बनाए तो भी दिक्कत, कम बनाए तो भी दिक्कत, दोनों कंडीशन समझ आई। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, 100 ग्राम ही बना रहा है, वह 100 ग्राम ग्लूकोज को पकड़ रहा है, लेकिन जब वो सेल के पास पहुंचेगा तो सेल क्या करता है, उसके लिए दरवाजे नहीं खोलेगा। तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि सेल ने उसके लिए दरवाजा खोलने मना कर दिया, तो इंसुलिन भी पूरी बन रही है, ग्लूकोज भी पूरा है, लेकिन सेल अपने अंदर उसको नहीं आने देगा। वो कहे भाई हम नहीं जानते तुझे, तू भारी घूम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उस कंडीशन में किसी का ब्लड टेस्ट करा जाएगा तो उस ब्लड टेस्ट में आएगा कि ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, इंसुलिन भी बन रही है, लेकिन फिर भी शुगर है,
इसका मतलब क्या हुआ कि वह केमिकल सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़कर सेल के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सेल अपना दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो सेल के जो दरवाजे हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तीनों कंडीशन समझ आई अलग अलग, इतनी कहानी समझ आई? अब इसके आगे की कहानी, अब ये सारी सिचुएशन में तो बीमारी हो गई, ये पैंक्रियाज भाई ठीक से काम नहीं कर रहा, पैंक्रियाज ज्यादा काम कर रहा है, पैंक्रियाज कम काम कर रहा है, पैंक्रियाज सही काम कर रहा है लेकिन इंसुलिन आपको सेल इंसुलिन के दरवाजा नहीं खुल रहा। तो इन तीनों सिचुएशन की न्यूरोथेरेपी कैसे मदद करती है? पहली कंडीशन क्या? तो उस समय पर अब पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा, तो न्यूरोथेरेपी पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना जानती है। हमारे पास पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के पॉइंट्स हैं, तो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन ठीक हुई कि हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना जानते हैं। दूसरा, पैंक्रियाज अगर जरूरत से ज्यादा काम करे, यानी कि इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बनती है, तो उस समय पर हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाएगा, और ग्लूकोज लेवल जब डाउन चला जाएगा तो हमें वीकनेस आ जाएगी। तो न्यूरोथेरेपी ये जानती है कि ग्लूकोज अगर डाउन जाएगा तो हम फोर पैन देकर, जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को सेल के अंदर बनाकर रख दिया है, जमा कर दिया है, हम उस सेल को कहेंगे कि भाई ग्लूकोज को रिलीज करो, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता है। तो उस कंडीशन में हम न्यूरोथेरेपी में फोर पैन देते हैं। फोर पैन आपके सेल के अंदर ग्लूकोज को रिलीज कराने की ताकत रखता है, यानी फोर पैन से हम ग्लाइकोज ग्लूकागोन हार्मोन बनाते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन आपके सेल के अंदर जो स्टोर है ग्लाइकोजन, उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। यानी कि ग्लूकागोन हार्मोन आपके ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इंसुलिन ज्यादा बन रही है तो उस कंडीशन में हम टू पैन सबसे पहले देंगे, क्योंकि टू पैन किसी भी क्रिया को रोकने की क्षमता रखता है। तो पैंक्रियाज टू पैन देकर हम इंसुलिन को कम करने की कोशिश करेंगे, भी इंसुलिन ज्यादा ना बने, और जो जो ग्लूकोज जमा हो गया है उसके लिए हम फोर पैन देंगे कि वो ग्लूकोज दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। दूसरी कंडीशन थी कि पैंक्रियाज कम काम करता है, कम काम करने से आपके शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर लेवल बढ़ने से तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि 10 पेन देने से, यानी 10 पेन देने से आपकी बॉडी का ग्लूकोज इंसुलिन बढ़ जाता है, यानी कि 10 पेन देने से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ता है, यानी कि बनता है। तो हमें इंसुलिन बनाना है क्योंकि तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो इंसुलिन बना देंगे तो इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ेगा और सेल के अंदर डाल देगा। यानी कि हम 10 पेन देकर इंसुलिन बना सकते हैं, 4 पेन देकर इंसुलिन को डाउन कर सकते हैं, यानी कि ग्लूकोज को बढ़ा सकते हैं, 2 पेन देकर इंसुलिन को दबा सकते हैं, तो सारी सिचुएशन ठीक होगी। अब लास्ट कंडीशन क्या थी कि जब इंसुलिन भी बन रहा है, ग्लूकोज को पकड़ भी रहा है, लेकिन सेल उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, उसको हम बोलते हैं कि रिसेप्टर्स काम नहीं करते। तो न्यूरोथेरेपी में रिसेप्टर्स को भी काम करने के लिए ट्रीटमेंट्स हैं। हमारी न्यूरोथेरेपी में एक फॉर्मूला है जिसका नाम है प्योर न्यूरोट्रांसमीटर। ये प्योर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये चाबियां हैं। जैसे कोई अगर ताला ना खुले तो हम क्या करते हैं, किसी चाबी वाले को लेकर आते हैं, वो ताला बना देता है, वो चाबी बना देता है, ताला खुल जाता है। ऐसे ही प्योर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये सभी रिसेप्टर्स की चाबी है। तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देखकर हम रिसेप्टर्स के दरवाजे को खोल सकते हैं और इंसुलिन को अंदर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी हर सिचुएशन का सामना कर सकती है। ये मैंने एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से आपको बताया कि शरीर को कोई अंग काम नहीं कर रहा तो उसे स्टिमुलेट करती है, ज्यादा काम कर रहा है तो उसे कम कर सकती है, कम काम कर रहा है तो उसे स्टिमुलेट करके ज्यादा काम करा सकती है, और वह केमिकल अगर सही जगह पर ना पहुंच कर नहीं पहुंच पा रहा है तो उस जगह पर पहुंचकर भी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर सकती है। ये सब सिचुएशन न्यूरोथेरेपी हैंडल कर सकती है। तो न्यूरोथेरेपी साइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी कारण है बीमारी आने के, उन सब पर काम कर सकती है। उदाहरण समझ आया आप लोगों को?